अब बढ़ते हैं आगे। आजकल लोग जरा एक बार छींक दे तो डर लगने लगता है, लोगों को लगता है कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया। कोरोना क्या है, कैसे इसका पता लगाया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। डर का दूसरा नाम कोरोना बन चुका है। कोरोना का नाम सुनते ही लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। हल्की खांसी और छींक आने से भी लोग डर जाते हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें भी कोरोना हो गया है। तो आखिर हम कैसे समझें कि हमें कोरोना हुआ है या नहीं? अगर आपको बुखार है और लगातार खांसी हो रही है तो आपको 7 दिन तक घर में रहना चाहिए। जो लोग आपके साथ रहते हैं उन्हें भी 14 दिन तक घर में रहना चाहिए। आपको खाना और दवाइयाँ घर पर ही पहुँचाई जानी चाहिए। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कोरोना वायरस का अटैक है या नॉर्मल बुखार? कोरोना के 2 प्रमुख लक्षण हैं। पहला, लगातार सूखी खांसी आना, और दूसरा बुखार का आना। किसी में ये दोनों लक्षण हैं या इनमें से कोई एक लक्षण है तो सावधान हो जाने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा छींक रहे हैं, आपकी नाक बह रही है या आपको सिर दर्द भी हो रहा है तो आप बीमार हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना हो गया है। अब आप जानना चाहते होंगे कि कोरोना वायरस में होने वाला बुखार कितना ज्यादा होता है और लगातार होने वाली सूखी खांसी का क्या मतलब है। दरअसल इसका मतलब है कि आप खांस रहे हैं लेकिन उसमें बलगम नहीं आ रहा, आपके टिश्यू में कोई चिपचिपा पदार्थ नहीं दिख रहा। लगातार खांसी का मतलब है कि आप लगातार खांसे जा रहे हैं। आपको बार बार अपने गले को साफ करने की जरूरत महसूस हो रही है। अब कैसे पता लगाएं कि आपको जो बुखार हुआ है वो बुखार कोरोना वायरस वाला बुखार है? सबसे पहली बात कि आपको बुखार होगा तो आपको पता चल जाएगा। तकनीकी तौर पर अगर आपके शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस